Good morning, guys. Today it's me on Sonia's channel. और बताओ आप सब. ये देखो मैंने इस चक्कर में कब भी गलत उठा लिया. मुझे लगा एक अच्छा शॉट डालेंगे. कब गलत उठा लिया उस चक्कर में. सो गाइस, जनता की पुरजोर नहीं, जनता की बहुत ज़्यादा डिमांड पे मैंने सोचा कि चलो मुझे भी ब्लॉक करना चाहिए. सोनिया इज लिटिल बिट, हमारा एक सिपाही डाउन हो गया है. नहीं है मुके डाउन इन द सेंस शी इज लिटिल बिट लेजी इन डूइंग व्लॉग्स. तो आई थॉट चलो मैं कर लेता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत सोनिया भी दिख जाएगी. अक्सर मुझे भी तो सब लोग पसंद करते ही हैं, क्यों भाई. राइट मम्मी क्या कर रहे हैं मम्मी. सो गाइस, सोनिया को लगता है कि मेरे को कुछ आता ही नहीं है. मेरे को बहुत कुछ आता है, मेरे को फ़ोन चलाना आता है. तो आज है फ्राइडे, सो आई हैव स्टार्टेड मेकिंग दिस व्लॉग टुडे. और आज मैं बनाऊंगा थोड़ा सा व्लॉग, फिर मेरे को काम पे भी जाना है. नीड टू डू टू थिंग्स, सो दैट्स फाइन, वो मैं करूंगा. और अभी मेरे को सोनिया ने बोला है कुकर खोल दो और दाल में कड़छी घुमा दो, नहीं तो दाल घुल जाएगी. तो मैं जा रहा हूँ वही करने. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वॉच दी नेक्स्ट क्लिप. कौन सी कड़छी घुमानी है, वो लकड़ी वाली या स्टील वाली. ओके गाइस, तो मैंने खोल लिया कुकर एक हाथ से और दूसरे हाथ से दाल में घुमा दिया मैंने कड़छी. हाय गाइस, तो आज का जो व्लॉग है वो दीपक ने मेरे चैनल को टेक ओवर कर लिया है, साथ में मम्मी. मम्मी हेलो, ये टाइम आ गया है, सपोर्ट करो ना, उसको टेक ओवर बोला जाता है. नहीं मतलब टेक ओवर ही कर लिया कि व्लॉग मोस्टली आप दीपक को देखोगे, क्योंकि इतना सारे बोलते, तो अब मैं देखती हूँ कि आप लोग कितना प्यार देते हो दीपक को. क्योंकि आप हमेशा बोलते हो कि दीपक को अपना चैनल बनाना चाहिए, तो उसके लिए पहले प्रैक्टिस के लिए ही इज़ वेरी लकी कि दीपक को चैनल मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, अगर उनको फ्यूचर में बनाना होगा चैनल. ठीक है ना. थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माय स्किल सेट एंड माय फनी एंगल टू द पब्लिक. और शर्म तो नहीं आती. देख लो ऐसे हस्बैंड सुबह सुबह से बोल रहे हैं. तो दीपक आज से व्लॉगिंग मोस्टली यही करेंगे. तो मौका दिया है, आई थिंक खरा उतरेंगे ये मौके पे. ऐसे बोल देना ना, खरा उतरेंगे है ना, उतरोगे ना खरा है ना. मम्मी 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 तुसी भी तो व्लॉग करूंगे. हाँ बोलूंगे की बोला मैं. मम्मी अभी नहीं बोलेंगे, अभी मम्मी थोड़े टाइम तक क्या कहते हैं उसको, एनर्जी आएगी. अभी सुबह हुई है, वी हैड टी और एज यूजुअल जो हमारी रूटीन होती है वही है, कुछ खास नहीं है. तो यस, सो गाइज आई एम आउट फॉर सम एक्सरसाइज, थोड़ी रनिंग करूँगा, उसके बाद जिम जाऊँगा एंड आफ्टर दैट आई बी बैक होम. सो आई स्टार्ट माई रनिंग नाउ. सो गाइज आई डिड सम रनिंग कपल ऑफ राउंड्स, नॉट कपल एक्चुअली 5 or 6 राउंड्स एंड सरप्राइजिंगली आई डिडंट स्टॉप इन बिटवीन. पहले मैं रुक जाता था, ब्रेक लेता था, लेकिन शायद स्टैमिना इज इंक्रीजिंग यू नो. गुड गुड ना लाल, आई हेड टू द जिम एंड डू सम जिमिंग, कैच यू देयर. एम्प्टी जिम, लगता सब लोग एक्सरसाइज करके चले गए, मैं ही बचाऊँ. Thank you.
sneak peek to the upcoming event. Not sure what that event is. That's in the clubhouse. So guys, gym ho gaya hai khatam. I am heading home. Yaad aa gaya. Most important task. More important than gym or running or anything else that I need to do. अभी जीरा कैसे दिया? खीरा कैसे दिया? My breakfast on my plate. Okay guys, so मैंने शावर ले लिया और मैं रेडी हो गया हूँ ऑफिस जाने के लिए. नाश्ता करूँगा और ऑफिस जाऊँगा. ऑफ कोर्स मैंने पहले बोल दिया था आज फ्राइडे है. सो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन आउट देयर. आई थिंक आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू अ लॉट ऑफ वुमेन इन माय लाइफ. माय मदर, माय वाइफ, my grandmother, she passed away a long time back, but my buaji and my sisters and my cousins, lot of women who you know has been there in different parts of my life in different phases. So thanks to all of them, and thanks to all the women viewers. I think with your you know encouragement and strength we you know keep doing what we are doing. Sonia keeps on doing what she's doing, and I think that this thing helps a lot for her to get motivated and you know do good videos and share different aspects of her life with you guys. So thanks to you. All the women, men's, जब आपका दिन आएगा आपको भी थैंक यू बोलेंगे. मेंस डे तो होता ही नहीं है, तो मैन कोई बात नहीं होता है. सो ठीक है, मैं भी अपना नाश्ता करता हूँ. I'll catch you guys later. So, आज का जो ब्लॉग है आप देख रहे हो दीपक की ओर से, एंड इट्स टोटली डिफरेंट बिकॉज वेरी वेरी फर्स्ट टाइम ऑनेस्टली कि दीपक ने सुबह उठ के मुझे बोला, ब्रश कर रहे थे, अब वेयर इज कैमरा, वेयर इज फ़ोन, मुझे व्लॉग करना है. मैंने कहा हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, मैं दीपक को फिल्म करती हूँ, वीडियो करती हूँ, और मतलब 10 सेकंड के लिए दीपक आते हैं. अगर उन्होंने कैमरा उठाना भी है तो वो 10 सेकंड्स के लिए आते हैं. बट दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइम कि ही सच कि चलो अभी तुम्हें तुम्हारा मन नहीं कई बार करता है, या फिर कोई ऐसा टाइम अभी आएगा कि जब तुम बिल्कुल भी एक मंथ के लिए फ़ोन उठाना नहीं चाहोगी, वीडियो नहीं बनाना चाहोगी, तो मैं करूँगा. तो अभी स्टार्टिंग करते हैं, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि दीपक ने इनिशिएट लिया है, एंड मैं रियली होप करती हूँ कि आप लोगों को भी दीपक की ये साइड अच्छी लगेगी. तो अभी तो मैं घर पर ही होती हूँ फुल टाइम, और अभी जस्ट वी हैड लंच मी एंड मम्मी, तो उसके बाद हमें नींद आती है एक घंटे के लिए. आई मीन दिस इज़ टोटली डिफरेंट फेज, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है. मैं खाना खाया, सोया, दोपहर को सोना इज़ वेरी अच्छा, यू नो अच्छा लग रहा है. तो लोगों के घर पे तो सीटियाँ बज रही हैं. तो शाम को अभी मैं देखती हूँ कि मैंने क्या करना है अभी के लिए. तो अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी, पंजाबी कढ़ी, जो कि लस्सी की होती है, छाछ की, दही की, किसी की भी बना लो. तो मैं बना रही हूँ लस्सी की, और ये है लस्सी, और बाकी सारा दिखाती हूँ. क्योंकि आज है फ्राइडे और मैं कल के लिए बना रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो कढ़ी होती है वो जितनी पुरानी होती है वैसी अच्छी लगती है. तो आज बना दूँगी, और जो पकौड़े हैं वो कल ऐड करूँगी, भजिया वगैरह वो कल ऐड करेंगे. तो अभी हेयर इज द प्रेपरेशन डन ऑलरेडी. तो ये है ऑयल गर्म हो रहा है, और साथ में ये है मेथी दाना जो कि स्टार्टिंग में डलेगा, ये कसूरी मेथी जो कि एंड में है, मैं इसको रोस्ट करके करूँगी ऐड. जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली जो कि मैंने पत्थर वाले में कूट के ऐसे करा है. देन देयर इज अनियन, टमाटो, क्योंकि थोड़ा सा खट्टास आ जाएगी इससे, एंड आलू, एंड हेयर इज लस्सी और बेसन का घोल. तो इसको 1-1.5 घंटा पकाना है जब तक ये बेसन पक नहीं जाता. या
टोमेटो थोड़ा प्योरे फॉर्म में मैंने कर दिया इसको। एडिंग पोटैटो नाउ आई एम एडिंग मसाला सॉल्ट सम हल्दी सम रेड चिली पाउडर देगी मिर्च जिसका कलर ही है सिर्फ धनिया पाउडर गरम मसाला और अगेन थोड़ा सा अमचूर पाउडर एंड सम लिटिल बिट अनारदाना क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर दिया है। इसको पकने देना है देन विल ऐड दिस। तो ये हमारा मसाला कड़ी का रेडी है एंड इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये कड़ी। अच्छी तरह ये घुला होना चाहिए एंड इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और नहीं तो ये बहुत थिक हो जाएगी। तो इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसको मैं ऐसे रहने दूंगी, कवर नहीं करूंगी क्योंकि इसमें अभी एक दो उबाल आएंगे उसके बाद यू कैन कवर इट विद एनी लिड। तो अभी स्लो पे, बिल्कुल स्लो पे इसको पकने देना है। और ये देखो हमारी कड़ी बन के रेडी हो गई है और इतना पानी था और ये कड़ करके इतनी हो गई है और अभी देखो थिक भी हो गई है, सब कुछ पक चुका है। और मीनवाइल मैं कर रही हूँ तवे पे थोड़ी सी ये रोस्ट और इसको हम बाद में इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और पकौड़ा वगैरह मैं कल ऐड करूँगी जब खाना होगा। ओके गाइस, सो पूरा दिन ख़त्म हो गया, मैं ऑफिस से हाथ पीछे करो यार, हाँ मेरे बाल ख़राब कर रहे हो है। तो ये मेरी होममेड जेल होममेड वैक्स है जो मैंने बनाई है, आपको नुस्खा दिखाऊंगा अगर आपको बाल अच्छा लगे तो। दिखाना है मतलब इसमें सीक्रेट रखा हुआ दीपक, इसमें इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होता है लेकिन इट कीप्स द हेयर एट देयर प्लेस। देखो अभी भी थोड़ा यू नो लिटिल बिट वॉल्यूम एंड इट इज़ गुड। सो डे वॉज हेक्टिक, लॉट ऑफ वर्क एंड अगर आपने दीपक को फॉलो नहीं करा है तो ज़रूर कीजिए। इस हैंडसम कम क्या हो रहा है? अरे मैं बताता हूँ, मेरा एक अकाउंट है इंस्टाग्राम का, आप उसको फॉलो कर लो, बस ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है इधर। तो डे वॉज बिजी एंड इट वॉज गुड, आई जस्ट हैड माई डिनर और अभी हम मैंने सोचा था कि व्लॉग छोटा बनेगा लेकिन मैंने इतनी बड़बड़ करी कि व्लॉग इतना लंबा बन गया, सोने ने भी अपनी बड़बड़ ऐड कर दी। फनी। सो होप आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगेगा, आई होप यू लाइक इट, लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग इन दिस व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू गाइस सून। झलक दिखला जो, हाँ झलक दिखला जो, ग्लिम्स ऑफ सोनिया। तो थैंक यू, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब, इसको क्या लाइक क्या कैसे करते थे? लाइक शेयर नहीं, ये स्टार्टिंग में करते थे, लाइक शेयर एंड लाइक, ये होता है, ये लाइक नहीं होता, लाइक शेयर एंड ऐसे सब्सक्राइब। हाँ हाँ, तुसी मैं सिखा देते थे ना स्टार्टिंग दे विच लाइक, मेरे को यार जब मैं मेरी जो स्पीड है ना बोलने की बहुत फास्ट है तो स्टार्टिंग में बड़ बड़ करके ऐसे फटाफट बोल देती थी तो दीपक लिटरली मेरे को बिठा के बोलते थे कि ऐसे बोल, हाय गाइस। हाँ वो भी क्या दिन थे, ये मेरा गुरु है ये। तो देखो ना मेरा फर्स्ट व्लॉग है, डू आई लुक लाइक आई एम स्केयर्ड और एनीथिंग? और सोनिया की बत्ती गुल होती थी, देखना कभी पीछे जरूर देखना, आज का दिन आप जरूर देखना है सोनिया का पहला यार वीडियो। हर कोई ये होता है ना कॉन्शियस, क्यों तुसी मेरे व्लॉग्स आंदे रहे हो, मैं किसी दे व्लॉग दे विच आई नहीं सी। इनिशियल वीडियो था इनका
क्या मेकअप फॉर स्टूडेंट्स? हाँ मुझे याद है, एक बार मैंने मेकअप वीडियो शूट करना था, वेरी फर्स्ट वीडियो, एंड मैं घर पे थी और दीपक ऑफिस गए थे अभी, पावर ऑफ हो गया था और ना मैं वीडियो शूट कर रही थी, डब्बा रख के एक उसके ऊपर कैमरा रख के अपना वीडियो शूट कर रही थी, और दीपक फोन आया, मैं दीपक बोली दीपक भगवान से प्रे करना मेरी वीडियो अच्छी बने, वीडियो अच्छी बने, मैं इतनी नर्वस थी, बट वो भी दिन थे, ये भी दिन है और अच्छे भी दिन आएंगे, है ना। चलो बाय बाय। सोनिया की तो सांस सूखी रहेगी वो पहली वाली वीडियो में, हेलो गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगी मेकअप कैसे करते हैं और वो तो ऑफिशियल फर्स्ट वीडियो है भी नहीं, फर्स्ट वीडियो तो कोई और ही थी, उसमें तो सोनिया की मतलब हक्की बक्की एकदम घबराई पड़ी, ऐसी शक्ल ही नहीं मैंने देखी थी चार साल में, पाँच साल में, कितने साल हुए तब, चार साल में, ऐसा मैंने कहा यार सोनिया कैसे लग रही है, शादी की थी तब तो ठीक थी बोलते ऐसा लग रहा है कि वो है, कैसा लग रहा है ऐसा ऐसा बोल के मेरे को। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट, आई विल एंड दिस व्लॉग, बहुत बड़ा व्लॉग बना लिया ये, वीकेंड पे एक नया व्लॉग बनाऊंगा। yes. और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तुसी इधर कर देना हरकतां, ये देखो क्या हो गया इसको बेचारी को, पगला गई है, सी एन बी मी अ लॉट ऑलरेडी, झूठे, मैं इन्हें अपना फोन दिया है, झूठा। चलो गाइस इट्स टाइम आई शुड से बाय बाय, गुड नाइट, मम्मी ने भी बाय बाय करा दो, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी अपनी दुनिया में अभी खोई हुई है, खोए हुए हैं अपने, पता नहीं है, मैं बोलूंगा मेरी वीडियो दिखाओ, फिर बोलूंगा मेरी वीडियो नहीं बनाई तुसी, बाय बाय बोल दो, सारे सत श्री अकाल कह दो, ठीक है, कितने पॉलिश है मुझे कर रहा सत श्री अकाल यार, बोलता हूं मैं इधर, बोले नहीं है मोहल्ले में जो पड़ोसी हैं उनकी बहुत ऐसी तैसी, और जब से हमारे यहाँ पे आए हैं ना सारी बिल्डिंग को पता चलता होगा कि इनकी मम्मी आ गई, इतना लाउड बोलते हैं ना, और अभी देखो आवाज नहीं निकल रही दिखायो जरा दिखायो है हमारे घर के साथ वालों ने हमारी वो मोटर बंद कर दो, ओए मोटर बंद कर दो, ओए पागल जी ना, चलो बाय, कितनी बार हमने बोल दिया, चलो बाय, चलो गाइस बाय बाय, इस फाइनल बाय बाय बाय।